हिसाब से ट्रेवल करेंगी। सो लेट अस बिगिन विद बेटे स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स इन द स्ट्रीम। ये भी आपको बेटे आपकी जो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं बिल्कुल उसी के साथ रिलेटेड आपका ये कंसेप्ट है। आपकी प्रोग्रेसिव वेव्स जब भी स्ट्रीम्स में ट्रेवल करेंगी, उसका एक एज एन एग्जांपल आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूं बेटे, अगर आप स्ट्रीम का एक एंड फिक्स कर लीजिए किसी डोर के एंड पर, उसको टाई कर लीजिए या किसी और फिक्स एंड पर टाई कर लीजिए, और दूसरी तरफ से बेटे आप अपने स्ट्रिंग को इस तरीके से जर्क देना स्टार्ट कर दीजिए, तो यू विल रियलाइज दैट कि इस तरीके से वेव प्रोपेगेट करती करती उस एंड तक जाएगी, वहां रिजिड एंड होने की वजह से रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आ जाती है अगर उधर आपने फिक्स एंड करके रखा हुआ है। सो इन दिस केस बेटे आपके पास ये एक बेटा फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट, यहाँ पे आपने एक ये हुक मैनेज कर रखा है, और ये आपके पास बेटे इमेजिन कर लीजिएगा एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को आपने यहाँ पे इस हुक के साथ टाई कर रखा है, इधर से आपने जर्क दिया इसको, तो ये बेटे पल्स इसको बोल देते हैं जो ट्रेवल कर रही है। ये पल्स ट्रेवल करेगी यहाँ पे स्ट्राइक करके वापस आएगी, दिस इज सिंगल पल्स। अगर आप इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली डिस्टर्बेंस देते जाते हैं इसको, तो ये आपकी जो पल्स ट्रेन है ये एक बेटा वेव की फॉर्मेशन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, और आपकी जो वेव है ट्रांसवर्स वेव है रादर जो, दैट विल ट्रेवल इन दिस मीडियम और ऑन दिस स्ट्रिंग एज सच। हम इसकी बात करने जा रहे हैं बेटा कि अगर हम इस तरीके की ट्रांसवर्स वेव जनरेट कर पाए तो वो जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं बेटे किस स्पीड के साथ ट्रेवल करेंगी, और किस तरीके से हमने इसको मैथमेटिकल टर्म्स में बेटे हमने इसको देखना है। वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स जो है, दिस इज बेटे गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन डिवाइडेड बाय द लीनियर डेंसिटी बेटा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यहाँ पे वी जो है बेटा, इट इज द velocity of transverse waves in springs बेटा, और T जो है बेटा this is the tension, कितना आपने उसको under load रखा हुआ है wire को या string को, और dear children जो mu है this is बेटा linear density बेटा। लीनियर डेंसिटी का मीनिंग आप जानते हैं, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, आपने इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस भी कर रखा है। अगर बच्चों मैं एक डायग्राम बनाकर आपकी और हेल्प करना चाहूं तो आई कैन ड्रॉ दिस टाइप ऑफ डायग्राम। यहाँ पे मेरे पास ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस फिक्स कर रखी है, यहाँ पे हुक लगा हुआ है, ये स्ट्रिंग है इस तरीके से पास हो रही, और यहाँ पे बेटे मैंने एक पुली लगा रखी है, और पुली के ऊपर से ये एक ये बेटे हमने आपने जैसे वो स्लॉटेड वेट्स देखे हैं लेबोरेटरी में, ये स्लॉटेड वेट्स आपने अटैच किए हुए हैं इसके लोअर एंड पर, और ये स्लॉटेड वेट्स आपके 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम इस तरीके से आप अपना स्लॉटेड वेट्स अटैच कर सकते हो। दिस इज ऑल रिजिड सपोर्ट, और अब इस केस में जितना आपने ये लोड अप्लाई कर रखा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेंशन डेवलप्ड इन द स्प्रिंग, कि जो आपका स्प्रिंग है थ्रेड है वो कितनी टेंशन जो है बियर कर रहा है। सेकेंडली ये जो मटेरियल है आपका वायर का स्प्रिंग का, इसकी बच्चों लीनियर डेंसिटी का मतलब है इसका मास निकाल लीजिए सेपरेटली यहाँ से यहाँ तक जिस जगह भी आपने अपनी वेव की फॉर्मेशन की बात करनी है, और उसको उस लेंथ ऑफ द वायर से आप डिवाइड कर दीजिएगा, आपके पास लीनियर डेंसिटी जो है बच्चों ये आपको मिल जाएगी बेटे। सो डियर चिल्ड्रन अगर मैं बात करके देखूं म्यू की बेटा, आपका जो लीनियर डेंसिटी म्यू है ये फर्दर मोर बेटे बिकॉज मास पर यूनिट लेंथ के बराबर है, तो म्यू को हम बच्चों मास आपका होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन लेंथ करेंगे बेटा, और बेटे वॉल्यूम इस वायर का कितना होगा स्ट्रिंग का कितना होगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो बेटे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बन गया,
लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम बन गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया जी मास, और आपने इसको पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो दिस विल गेट बिटी डिवाइडेड एज सच। और आपका बच्चों जो म्यू है, दिस इज पाई आर स्क्वायर इनटू रो के बराबर आपको बच्चों मिला। अब अगर बेटे डियर चिल्ड्रन इसको मैं इक्वेशन नंबर वन कह दूं और इसमें ये म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो डेफिनेटली बेटे मेरे पास जो एक्सप्रेशन है स्पीड ऑफ द वेव्स इन द ट्रांसवर्स वेव्स इन द स्ट्रिंग्स, इट विल बी टेंशन डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इनटू रो ऑल अंडर द रूट। बेटा ये फार्मूला आपके पास जो है, ये वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स इन द स्ट्रिंग्स, इसके लिए बेटे ये बन जाता है। अब आइए थोड़ा मैं और आपको इन पैरामीटर्स के साथ बेटे फेमिलियर करवा दूं, इन पैरामीटर्स को देखें एक बार। अगर पहली बात तो ये है कि ये वेलोसिटी डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन पे डिपेंडेंट है, मतलब जितना ज्यादा आप यहाँ पे लोड अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा तेजी से आपकी वेव इधर से प्रोपेगेट करेगी। दिस इज व्हाट डू वी मीन ओवर हियर। सेकेंडली ये जो स्पीड है इनवर्सली रेडियस ऑफ द वायर, ये स्क्वायर है ना, ऊपर रूट भी देख रहे हो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट बेटे खत्म हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ द वायर की इनवर्सली सिंगल पावर पर डिपेंडेंट है। अगर ये वायर आपका मोटा होगा, थिक होगा, तो ऑब्वियसली इसमें स्पीड कम होगी। अगर वायर आपका थिन है, देन द स्पीड ऑफ द वेव इन द स्प्रिंग, रादर द ट्रांसवर्स वेव इन द स्प्रिंग विल बी मोर। तीसरी बात बच्चों है, ये इनवर्सली स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जो आपका वायर है यही मीडियम है, इस पे भी बेटे डिपेंडेंट है। तो ये सारे फैक्टर्स का ध्यान रखिएगा। जो एक नंबर का क्वेश्चन है आपको यहाँ से पूछा जाता है, वो कहेंगे कि एक वायर अंडर ए टेंशन टी है, आपने टेंशन डबल कर दी, हाउ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन द स्प्रिंग विल बी अफेक्टेड, या वायर का रेडियस इतना है, आपने रेडियस डबल कर दिया, हाफ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसकी वेरिएशन के बारे में बात कहेंगे आपको। ऐसे ही डेंसिटी की टर्म्स में भी आपसे बात बच्चों की जा सकती है, तो आपको बहुत 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 ध्यान रखना है इन सारी बातों का। एक बार फिर बेटे मैं ये कंसेप्ट पे थोड़ा सा बेसिकली फोकस करूंगा। ट्रांसवर्स वेव्स हमने ऑलरेडी कर रखी हैं। ट्रांसवर्स वेव्स बच्चों वो होती हैं जिनमें मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, मतलब अगर वेव इधर जा रही है तो मीडियम के पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट करेंगे, परपेंडिकुलर हो गए दोनों आपस में म्यूचुअली। उसके बाद आप इस ट्रांसवर्स वेव्स की वेलोसिटी के लिए, ये हमारा बेटे जनरल एक्सप्रेशन है, हम इसको डिराइव नहीं कर सकते, इसको ऐसे अज्यूम कर रहे हैं। ये अगर इसको बेटे डिराइव करना पड़ जाए आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा डियर चिल्ड्रन, आपने डायरेक्टली डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प ले लेनी, और किसी तरफ नहीं जाना। हमारे पास अदरवाइज डायरेक्ट डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है। अगर आपको कहीं कोई पूछ लेता है कि नहीं जी आप डिराइव करके बताओ, टेक द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, आई होप आपने किया भी हुआ ये। देन वी आपका ट्रांसवर्स जो आपकी है वेव्स, इनकी वेलोसिटी है टी, टेंशन है, टेंशन का मतलब लोड कितना आपने अप्लाई कर रखा है, म्यू लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ, तो लीनियर डेंसिटी के लिए ये सॉल्व किया है मैंने, मास को लेंथ से डिवाइड कर दिया, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, वॉल्यूम आपका एरिया इंटू लेंथ हो गया, ये डेंसिटी आ गया, लेंथ से लेंथ कट गया, दिस इज पाई आर स्क्वायर इंटू रो, म्यू की वैल्यू ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, हमारे पास बन गया टी अपॉन पाई आर स्क्वायर रो अंडर दी रूट। तो इसका डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव जो है ये बच्चों डायरेक्टली डिपेंडेंट है स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन पर, इनवर्सली डिपेंडेंट है रेडियस ऑफ द वायर पर, एंड इनवर्सली डिपेंडेंट है बेटा डेंसिटी ऑफ द मीडियम पर भी। सो डियर चिल्ड्रन, किसी बात का आपको नहीं पता चला, यू आर मोस्ट वेलकम बेटे, आप पूछ सकते हो, एनीवन फ्रॉम योर साइड डियर सिदा, अंजलि, इश्नूर, जैकलीन, जपन, नमन, राघव, रमन, सहज, वैभव, दिलजीत,
दिवनूर, अर्शप्रीत, मिताली, निधि, ठीक है पुत्र, इनको बच्चों थोड़ा थोड़ा आपने नोट करते जाना है जरूर, बिकॉज इन द एंड ये चीजें हमारे बेटे काफी ज्यादा काम आने वाली हैं, इनको जरूर थोड़ा थोड़ा नोट करिएगा साथ साथ। सो आइए डियर चिल्ड्रन, विद दिस पॉइंट हम आगे डिस्कस करें। इसके बाद बच्चों हमारे पास कंसेप्ट है बेटे ट्रांसवर्स वेव्स की, तो बच्चों आपने स्पीड देख ली, अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो स्पीड्स हैं उनके बारे में भी ब्रीफली बात करके देखें कि हमारा बेटे जो है स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स हम किस तरीके से देख सकते हैं। आइए देखें बेटा, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इनको आप साउंड वेव्स भी कह सकते हैं। किस तरीके से बेटे हम इन स्पीड्स के बारे में बात करेंगे, लेट अस बेटे फोकस अपॉन दिस कंसेप्ट बेटा। बेटे ये अगेन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है ये डिपेंडेंट है स्क्वायर रूट ऑफ द इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी बेटा। आपने ये डेरिवेशन बेटे कर भी रखी है ऑन द बेसिस ऑफ योर डायमेंशनल एनालिसिस बेटे। यहाँ पे ई जो है आपका, दिस इज बेटे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और बच्चों जो रो है दिस इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम बेटे। हमने पुत्र क्या किया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डेंसिटी ऑफ द मीडियम की एज सच हेल्प ले ली है। ये बेटे हमारा जनरल फॉर्मूला है स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए। अगर डियर चिल्ड्रन आपका मीडियम सॉलिड हो, मतलब आप सॉलिड मीडियम के थ्रू साउंड वेव्स की प्रोपेगेशन की बात करो, देन इन द केस ऑफ द सॉलिड्स बेटे आपका जो ई है दिस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपने पढ़ रखा है अपने सॉलिड्स वाले चैप्टर में डियर चिल्ड्रन, इट विल मीन दैट कि आपका वेलोसिटी जो है सॉलिड्स में दिस इज वाई अपॉन रो, फिर वाई दिस इज विद द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रो बेटे आपके उस सॉलिड की डेंसिटी को आप एज सच यूज कर लेते हो। उसके बाद बेटे आपने एक और पॉइंट डिस्कस किया था फ्लूइड्स का केस बेटा। फ्लूइड्स के केस में आपका बच्चों जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसको आप बल्क मॉडुलस कहा करते थे, इफ यू रिमेंबर बेटा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और आपका जो स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव है इट विल बी इक्वल टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी रो। याद रखिएगा यहाँ पे वाई जो है दिस इज बेटे यंग्स मॉडुलस, मैं लिख भी देता हूं बेटा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और बेटे जो के है इट इज बेटे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेटे इन बातों का आपको बड़ा ध्यान रखना है बेटा। सो बेटे अगर आप यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस की बात कर लेते हो तो इन दोनों का अगर आप कंपैरिजन करें आपकी बुक पे बेटा, प्रोबेबली इस चैप्टर में कहीं टेबल बना होगा, एक यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का लिखा होगा, एक पे बल्क मॉडुलस भी लिखा होगा। इफ यू कंपेयर द वैल्यूज बेटे यू विल रियलाइज दैट कि आपका वाई जो है ये के से बहुत बड़ा होता है। वैसे भी आपको समझा देता हूं क्यों बड़ा होता है, ध्यान से सुनिएगा। आप एक स्टील की रोप ले लो, एक स्टील की वायर ले लो, उस वायर को आपने लोअर एंड से लोड सस्पेंड कर दिया, अप्लाई कर दिया, वो वायर में इलोंगेशन होगा, इलोंगेट होगी, उसकी लेंथ में स्मॉल चेंज आएगा, डेल्टा एल के बराबर आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाला करते थे, और जब आप उसको डीलोड कर दोगे, लोड हटा लोगे, तो वायर अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, ओरिजिनल पोजीशन को, ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर लेगी। लेकिन आप इमेजिन करिए कि आपने एक लिक्विड कॉलम लिया हुआ है, उस लिक्विड कॉलम के मॉलिक्यूल्स को अगर आप अंडर फोर्स, अब लोड जब आप अप्लाई करते हो वायर को, इसका मतलब तो ये कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप उसको एज लोड को अगर फोर्स देखें, तो उसी तरीके से अगर आप लिक्विड पर फोर्स अप्लाई करके उसको डिस्प्लेस कर देते हो किसी पानी के कॉलम में,
तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आते हैं, बड़े कम जो है लिक्विड्स के केस में ऐसा होता है, लेकिन उनमें 100% अपना जो है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं करते। और इवन अगर हम गैसेस की बात कर लें, मान लीजिए इस रूम में जहाँ पे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, एयर इज देयर, इट इज नॉट विजिबल, अगर मैं अपने हैंड से एयर को ऐसे ऐसे कर देता हूँ, तो देयर मस्ट बी द मूवमेंट ऑफ द एयर, और जो एयर यहाँ से रिप्लेस की गई है उस एयर को इस पर्टिकुलर वॉल्यूम जो यहाँ से एयर को हटाने के बाद यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसको आसपास से एयर के मॉलिक्यूल आकर फिल कर देंगे, वो वाली एयर आगे निकल जाएगी। सो जो एयर को आपने पुश किया वो एयर वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगी। इस वापस आने वाली प्रॉपर्टी को ही आप इलास्टिसिटी कहा करते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, सॉलिड्स के केस में आपका जो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है इसकी वैल्यूबिलिटी बहुत बड़ी होती है, हाई होती है, लार्ज होती है, और इसीलिए वाई आपका के से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव्स इन द सॉलिड्स इट इज मोर देन दैट इन द केस ऑफ द फ्लूइड्स। बेटा आपको कई बार बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक साउंड वेव है उसको ट्रेवल करने के लिए तीन अलग अलग मीडिया दिए गए हैं, एक अल्मीनियम है, एक वाटर है, एक गैस है या एयर है, किसमें स्पीड ऑफ साउंड वेव सबसे ज्यादा होगा? तो डेफिनेटली बेटे आपका सॉलिड वाला जो है उसमें ज्यादा होगा, बिकॉज सॉलिड्स के केस में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा इन कंपेरिजन टू द के है बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है, शुड आई मूव फर्दर बेटे, शुड आई प्रोसीड अहेड? हरनूर, इशनूर, जैकलीन, नमन, रमन, राघव, सहज, दिलजीत, दिवनूर, मिताली, ओके बेटा, चलिए बेटे आगे चलते हैं। इसके बाद बेटे हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है न्यूटन्स फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको किसी ना किसी फॉर्म में एग्जाम में मिल जाता है। आइए देखें न्यूटन्स फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। बेटा लेट अस फोकस अपॉन दिस बेटा, न्यूटन्स फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। एयर में स्पीड ऑफ साउंड वेव्स के लिए किस तरीके से बेटे न्यूटन ने अपनी अजम्पशन के बेसिस पर फॉर्मूला डिराइव किया? अभी अभी हमने बात की है कि फ्लूइड्स के केस में स्पीड ऑफ साउंड वेव्स जो है दिस इज बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, हमने अभी अभी बेटे कहा है प्रेजेंटली। इसको मैं इक्वेशन नंबर वन पर कह देता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब बेटे जब भी साउंड वेव ट्रेवल करती है, आपने डिस्कस कर रखा है कि कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस आपके मीडियम में ट्रेवल कर जाया करती हैं। ये जो मैं डार्ट कर रहा हूँ रीजन, ये कंप्रेशन का है, जो बीच में खाली दिख रहा है आपको दैट इज रेरिफैक्शन। ये आपका साउंड वेव मान लो इधर को प्रोपेगेट कर रहा है। साउंड वेव का मतलब है कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन का आगे को मूव करना, प्रोसीड करना। बच्चों जब आपके एयर के मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, कंप्रेशन बन जाती है, डेंसिटी टेम्परेरली बढ़ जाती है, और जब आपकी एयर के मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते हैं तो वहां पर बेटे डेंसिटी मीडियम की कम हो जाती है, वी कॉल दैट एज रेरिफैक्शन। बेटा न्यूटन ने बेटे ये कहा कि जब साउंड वेव ट्रेवल करेगा एयर में से, गैस में से, तो कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस जब ट्रेवल करेंगी तो इनके ट्रेवल करने का जो प्रोसेस है पुत्र, इट इज कंप्लीटली आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि टेम्परेचर इस केस में कांस्टेंट रहेगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मीडियम के पार्टिकल नजदीक आ गए और नजदीक आने पे बिकॉज डेंसिटी बढ़ी है, प्रेशर बढ़ गया है, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है, या कह लो
यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जब यहाँ पे जाएंगे तो देर विल बी द लॉस इन द टेम्पर मॉलिक्यूल्स, जब दूर दूर चले जाएंगे डेंसिटी कम होने की वजह से बेटा लॉस इन द इंटरनल एनर्जी होगा एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट टी डिक्रीज कर जाएगा, ऐसा नहीं कहना हमने। बिकॉज जब न्यूटन ने ये डेरिवेशन करने की कोशिश की उन्होंने ये सोचा कि ये प्रोसेस कंप्लीटली आइसोथर्मल है, बिकॉज जब मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे पास पास आएंगे डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जब मॉलिक्यूल्स रेरी फ्रैक्शंस में दूर दूर चले जाते हैं जितना टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा था वो टेम्परेचर यहाँ पर कंपनसेट हो जाता है, नेट फ्लो नेट राइज इन द टेम्परेचर कोई भी नहीं है। फिर से पुत्र समझो, न्यूटन ने इस फॉर्मूला को डिराइव करते टाइम ये अजम्पशन कंसिडर की कि जब ये वेव प्रोपेगेट करेगी प्रोसेस कंप्लीटली आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। आइसोथर्मल का मतलब बच्चों है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना, लेकिन जब कंप्रेशन बनेगी तो टेम्परेचर तो राइज होगा, रेडिफेक्शन के टाइम पर फॉल भी करेगा। उन्होंने कहा कि जितना टेम्परेचर राइज किया जितना फॉल किया वो एक दूसरे को कंपनसेट कर जाते हैं, नेट टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है बेटा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब ये एयर के मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए तो प्रेशर आपके पास पी प्लस डेल्टा पी थोड़ा सा बढ़ गया, मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं तो प्रेशर तो बढ़ेगा डियर चिल्ड्रन। ऐसे ही जब आपके मॉलिक्यूल्स बेटे पास आ रहे हैं तो नया वॉल्यूम इट विल बी वी माइनस डेल्टा भी, वॉल्यूम कम भी होगा, दोनों फैक्टर्स होंगे ना आपके पास, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, इट विल मीन दैट पी डैश बी डैश ये आपका कांस्टेंट हो जाना चाहिए न्यू पोजीशन। लेकिन आपका इनिशियली भी तो पी भी कांस्टेंट ही था ना बेटा, अब अगर हम ये दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें पी डैश वी डैश इज इक्वल टू पी इन टू वी, पी डैश है पी प्लस डेल्टा पी, वी डैश है वी माइनस डेल्टा वी, दिस इज इक्वल टू पी वी कर दें अगर, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इट विल बी पी वी माइनस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी इज इक्वल टू पी इन टू वी। चेक करिएगा डियर चिल्ड्रन सारी टर्म्स क्लियर हैं, राघव रमन सहज इश जपन सर। हाँ जी पुत्र। सर वॉल्यूम जो वी डैश निकाला है वो वी माइनस डेल्टा वी क्यों आया, प्लस डेल्टा वी क्यों नहीं है? जब बेटे हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं कंप्रेशन का मतलब है वॉल्यूम कम हो गया, कम होगा तो जितना वॉल्यूम पहले था उसमें से इतना हमने माइनस कर दिया, जब आपका कंप्रेशन बना प्रेशर बढ़ गया जितना प्रेशर पहले था उसमें हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया, समझ आई बात बेटा? ओके सो बेटे इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो आप देखेंगे अगर पीवी से पीवी आपका बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा, और डियर चिल्ड्रन एक बात और ध्यान से समझिएगा, इंक्रीज इन द प्रेशर एंड डिक्रीज इन द वॉल्यूम ये कोई बहुत बड़ा नहीं होता, इट इज वेरी 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 माइन्यूट। अगर एक छोटा सा फैक्टर जो कि पॉइंट्स में है किसी और छोटे से फैक्टर जो कि अगेन पॉइंट्स में है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो जो दोनों छोटी छोटी न्यूमेरिकल वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो रिजल्ट बहुत छोटा हो जाएगा, ये फैक्टर आपका काफी ज्यादा छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, इसको बेटे हम अपनी कैलकुलेशंस के लिए निगलेक्ट कर देते हैं। फिर बच्चों हमारे पास बचा क्या, लेट मी मेक एडजस्टमेंट दिस वे, सो वी विल हैव दैट बेटा योर वी डेल्टा पी दिस इज इक्वल टू पी डेल्टा वी बेटा, इसको मैं इक्वेलिटी साइन की बेटी दूसरी तरफ एडजस्ट कर देता हूं। तो मेरे पास बच्चों जो प्रेशर पी है बड़े ध्यान से देखिएगा, प्रेशर पी मेरे पास बन गया बेटा डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी, या प्रेशर कितना बन गया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। बच्चों सारे स्टूडेंट्स देखना ये टर्म आपको कहीं देखी देखी लगती है राइट साइड, जरा बताइएगा मुझे
इश्नूर, जैकलिन, जपन, नमन, राघव, रमन, सारे बच्चे पुत्र, मैं सबका नाम क्या लूं बार बार। अब ये पूरा राइट साइड आपको कहीं देखा देखा लग रहा है कि नहीं? हाँ जी हनूर, बोलो पुत्र, व्हाट इट इज? हनूर कौर, हनूर कौर बेटा आपने बताइए फिर क्या है ये? अपने निधि, मिताली, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो बेटे डेल्टा वी बाई वी है ना, इसको डेल्टा पी को भी देखो। रमन ठीक कह रहे हो आप, मॉडल्स ऑफ वैभव, एक बार इसको रीचेक करिएगा वैभव। मिताली, निधि, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी ओवर वी, पुत्र किसको बोला था हमने? क्या टर्म है हमारी ये? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऑल एप्रिशिएशन फॉर यू। हां जी अंजलि, गुड बेटे, बल्क मॉडुलस। मैं इसको डेल्टा पी को पुत्र ऐसे लिख सकता हूं ना, एफ अपॉन ए डेल्टा वी अपॉन वी, ये आपका स्ट्रेस, ये स्ट्रेन, और ये सारी टर्म आपकी बच्चों बल्क मॉडुलस के बराबर थी। ये चीज बेटे आपने जो है ऑलरेडी कर रखी है। आइए बेटे मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं और लेट अस सी दैट बेटे हमारे पास फिर ये क्या बन जाता है। सो पी विल बी इक्वल टू यूर के बेटा, के की जगह पर मैं फिर बेटे जो यहाँ पे एक्सप्रेशन था पी लिख दूंगा बेटे। तो आइए अगर मैं यहाँ पे पी लिख दूं, व्हाट आई विल बी गेटिंग बेटे, लेट अस सी टू दिस। बेटे यहाँ तक क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को? मुझे ये पार्ट रब करना पड़ेगा। हाँ जी बेटे, नमन, रमन, राघव, अंजलि, ओके। तो यहाँ पे बेटे फिर मैं इक्वेशन नंबर वन जो आपने लिखा था उसमें बेटे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है जी, बल्क मॉडुलस की जगह पर पी पुट कर दिया है। बी मेरे पास बन गया पी अपॉन रो बेटा। ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव्स इन द गैसेस और इन द एयर, ये बेटे बन जाता है। लेकिन अगर आप बेटे नॉर्मल अपने अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस की बात करो तो पी को आप बेटे एच इंटू रो इंटू जी, ये रो एयर का है, ये रो मीडियम का है, इसको कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये आपके पास ये चीज बन जाएगी, ये वेलोसिटी आ जाएगी एच रो एयर का बेटा एंड जी डिवाइडेड बाय रो आपका जहां पे ये था, ये बेटे आपकी मीडियम जो है उसके लिए था कि जिस मीडियम में भी आप अपनी साउंड वेव की प्रोपेगेशन की बात करने वाले हो। कई बार हम एयर नहीं लेते, कोई गैस में प्रोपेगेशन स्टडी करते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको बेटे इसको देख लेना है। अदरवाइज अगर आप ऐसे नहीं भी करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्टली एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पुट कर दीजिए। एटमोस्फेरिक प्रेशर आपके पास 1.1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का डियर चिल्ड्रन होता है, आपने वैल्यू पुट कर दी इन द डिनोमिनेटर बेटे डेंसिटी ऑफ द एयर और द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अगर आप सब्स्टिट्यूट करो तो ये 1.33 के बराबर होती है बेटा एयर की डेंसिटी। सो आप अगर एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स की बात करोगे तो ये बनेगा। इसको अगर मैं बच्चों स्लाइटली सॉल्व कर लूं, दिस इज 280 मीटर्स पर सेकंड। लेकिन बेटे इसके बाद कैलकुलेशन के बाद ये देखा गया कि एयर में तो साउंड की वेलोसिटी एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर 332 मीटर्स पर सेकंड के बराबर है। देयर वाज ए लॉट ऑफ एरर। अगर हम उत्तर देखें, हमने कैलकुलेशन की अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स अजम्पशन कि हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल है प्रोपेगेशन का, तो बेटे देखिए एक्चुअल जो वेलोसिटी है वो इतनी है, निकली इतनी है, एरर फिर कितना आ गया बेटा हमारे पास 332 - 280, ये 52 मीटर पर सेकंड की एरर बन गई। अगर आप परसेंटेज एरर निकाल लें
परसेंटेज एरर बन गया 52. दिस इज द एरर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू 332 इनटू 100. बच्चों अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे ये करीब करीब 16% आ जाएगा. आपको याद होगा हमने बहुत बार की है बात कि जब भी आप लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो 5% तक की एरर अलाउड होती है. कि चलो मान लिया कि कोई ऑपरेटर्स को हैंडल करके टाइम प्रॉब्लम आ गई या हमने रीडिंग लेते टाइम कोई गलती कर दी या एनी टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर हो गया, लेकिन 16% तो टू मच है. दिस इंडिकेटेड दैट देयर इज सम सीरियस फ्लॉ इन द अजम्पशन मेड बाय न्यूटन बेटा. सो दिस लेड टू द करेक्शन ऑफ न्यूटन्स फार्मूला बाय लैपलेस. सो वी विल टेक लैपलेस करेक्शन आफ्टर दिस. पहले मुझे ये बताइए यहां तक सबको क्लियर है? ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन. मिताली, निधि, अर्शदीप कौर, हाँ जी बहुत बढ़िया बेटे. अंजलि, हरनूर, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं. ये मत समझा करो कि सर किसी का नाम ले रहे हैं, हमारा ले नहीं रहे हैं. तो मैं जनरली टॉप से और बॉटम से सबको ही कवर कर देता हूँ. यस मिता निधि, ओके. सो बेटे ये न्यूटन की अजम्पशन के बेसिस पे आपने वेलोसिटी निकाल ली लेकिन ये ठीक नहीं आई. इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूटन ने अजम्पशन की है वो गलत है. इसको ठीक कैसे करना है? दैट वाज सजेस्टेड बाय लैपलेस. फिर बेटे वो हम नेक्स्ट पीरियड में आज कंप्लीट कर लेते हैं बेटा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पीरियड बेटे. फिर बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में करते हैं. थैंक यू बेटा.